डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गन डायग्राम्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिंपल है, नेट में इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अच्छे से आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस ऑर्गन डायग्राम्स को बनाने से पहले अभी तक हमने जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़े हैं जो इसमें काम आ सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पे थोड़ा उस पर उससे रिविजन करके हम आगे चले जाएंगे। तो ये ऑर्गन डायग्राम है क्या चीज़, ये हमें क्या बताता है? तो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस पढ़ रहे हैं हम मेटल कॉम्प्लेक्स में, कि मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, कौन कौन से किस टाइप के स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है इस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसेक्शन में। जैसे कि ये स्पेक्ट्रा बनता है कि कैसे है? हमारे पास, अगर ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आपका एनर्जी लेवल है, तो ठीक है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट, स्टेट आपका क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है ग्राउंड स्टेट में, जब इसको एनफ एनर्जी मिल जाता है, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन कहां, एक्साइटेड स्टेट में, इसको एनर्जी मिलने से, जिससे हम क्या, ई विच इज इक्वल टू क्वांटाइज्ड इज इक्वल टू एच म्यू, इतना एनफ एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हमारे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, अब्सॉर्प्शन ऑफ यहां से लाइट, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो यहां पे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा अगर हम इसका एब्जॉर्प्शन यू विजिबल स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसके लिए हमने सिलेक्शन रूल्स पढ़ा, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स में हमने देखा कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम या कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस अलाउड होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस हमारा फॉरबिडन रहता है। ये वाला जो सिलेक्शन रूल है अब यहां पे अप्लाई होगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेंगे, किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस हमारे फॉरबिडन मिलेंगे। इसमें हमने कहा सबसे पहले लेपोटी सिलेक्शन रूल, जिसमें हमने कहा डेल्टा एस इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस हमें अलाउड होगा, वरना हमें अलाउड नहीं होगा। सेकंड हमने कहा स्पिन सिलेक्शन रूल, जिसमें कहा डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, सिर्फ वो टाइप के ट्रांसेक्शन हमें क्या होगा, अलाउड होगा, और बाकी हमें अलाउड नहीं होगा। थर्ड हमने कहा अगर यहां भी अगर डिसाइड नहीं होता है, तो टर्म सिंबल में डेल्टा जे या जीरो होना चाहिए या प्लस माइनस वन होना चाहिए, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। मेन जो हमारा, एक तो पैरिटी रूल जो हमारा लेपोटी सिलेक्शन रूल में हमें देखने को मिलता है, कि अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा, तो वहां पे हमारा सिर्फ अगर जीरेट टू अनजीरेट टाइप ट्रांसेक्शन हमें अलाउड होता है, जीरेट टू जीरेट या अनजीरेट टू अनजीरेट हमें अलाउड नहीं होता है। जीरेट से जीरेट या अनजीरेट से जिसे हम यू लिखते हैं, ये दोनों क्या है, डिस अलाउड है, मीन्स फॉरबिडन है। अगर हमारा जीरेट से अनजीरेट या अनजीरेट से जीरेट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन होता है, तो हमारा क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन अलाउड रहता है, ठीक है। अब हमने देखा, इसके बाद हमने, इसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट टर्म्स कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल है कि जो एक पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट टर्म्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कि अगर हम ये ग्राउंड स्टेट टर्म्स कहां से आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास
मेटल है, एक D1 सिस्टम है, ठीक है। D1 सिस्टम में जब हमने इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म देखा तो हमारे पास एक आ रहा था डबलेट डी आ रहा था, ठीक है, डबलेट डी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका डी में सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर आपके पास आता है D2 सिस्टम या D3, D4, D5, D6, D7, D8, 9 एंड 10, तो उसमें क्या होता है, जब भी आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वहां पे आपका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन आपका रोल प्ले करता है। तो यहां पे क्या आता है, यहां पे मल्टीपल टर्म्स आपको अराइज होता है। क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक रेअरेंजमेंट, या आप यहाँ कह सकते हैं डिफरेंट आपका फैक्टर प्ले करता है, वेब्रोनिक, जैसे कि वेब्रोनिक इंटर पीडी मिक्सिंग हुआ, या आपके यहाँ पे कह सकते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो फैक्टर है वो टर्म्स प्ले करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स आपका अराइज होता है। तो यहां से मल्टीपल टर्म्स से आपको ग्राउंड स्टेट टर्म्स कैसे निकालना है, इसके ये हम पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल टर्म्स में आपका जो ग्राउंड स्टेट होगा, जो सबसे नीचे वाले नीचे कम एनर्जी के टर्म्स होगा, वहां से फिर क्या होगा, हायर एनर्जी टर्म्स में आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे जो कम एनर्जी वाला कौन होगा, जिसका सबसे ज्यादा हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, ठीक है, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगा। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका सिमिलर आता होगा तो वहां पे आपका क्या है, हायर वैल्यू ऑफ एल, जिनमें आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा, वो आपके क्या बनेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म्स बन जाएंगे। अगर यहां पे डिसाइड नहीं होता है तो हमने कहा था कि जे के वैल्यू पे अगर मोर देन हाफ फिल्ड होगा, मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो आपका क्या होगा, जो जे का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, हायर जे वैल्यू क्या होगा, आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। अगर आपका लेस देन हाफ फिलिड होगा, अगर लेस देन हाफ फिलिड होगा, ठीक है, लेस देन हाफ फिलिड होगा तो क्या होगा, आपका लोअर जे वैल्यू विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ये सब हमने पिछले जो लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब वही क्या होगा, आपकी यहाँ ऑर्गल डायग्राम में अप्लाई होगा कि कौन से ट्रांसैक्शंस आपको अलाउड होंगे, कौन से ट्रांसैक्शंस आपका डिसअलाउड होंगे। इसके बाद हमने एक जगह पढ़ा RS कपलिंग, रसल सेंडर कपलिंग। रसल सेंडर कपलिंग क्या है, आपका LSO कपलिंग, LS जो आपका समिशन ऑफ एल होता है या समिशन ऑफ एल एस होता है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये आपका स्पिन मोमेंटम क्वांटम नंबर है। इन दोनों की कपलिंग की वजह से आपको एक टर्म मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्म सिंबल, जो कि हम रिप्रेजेंट करता है 2s+1lj, ठीक है, 2s+1lj। ये क्या है, ये आपका टर्म सिंबल है, टर्म सिंबल है जो कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स को आपको अच्छे से एनर्जी लेवल में एक्सप्लेन करता है। अगर हम यहां पे सिर्फ 2s+1l लिखते हैं तो ये आपका क्या बनता है, टर्म बनता है, क्या बनता है, इसको हम लिख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हम इसको बताते हैं, जिसमें आपका एंगुलर, टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम होता है, और आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। तो ये क्या करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर स्टेट डिफाइन करता है, ये आपको क्या करता है, नाइसली एक्सप्लेन, ये आपको एक्सप्लेन करेगा स्टेट, आपको क्या करेगा, ये नाइसली एक्सप्लेन करेगा द एक स्टेट को, एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट को आपको ये 2s+1l आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है वो हम देखेंगे कि ऑर्गल डायग्राम में होता क्या है, ठीक है, ये कुछ हम
बेसिक चीज है जो यहाँ पे काम आने वाला है, जो हम पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं वही हम इधर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, ऑर्गल डायग्राम डिफाइन होगा। ऑर्गल डायग्राम में आपको बताएंगे कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस होंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस आपको अलाउड होगा, ठीक है, और इसकी जरूरत क्या है। जैसे कि हमारे पास एक फ्री टर्म्स है, फ्री टर्म मीन्स आपके पास एक पी टू सिस्टम है, ठीक है, पी टू सिस्टम है जिसमें पी में आपके दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या आपके डी टू सिस्टम है, डी थ्री सिस्टम है, कोई भी है, लेकिन ये आपका क्या है, फ्री आयन है, फ्री आयन है। फ्री आयन मीन्स इसके पास, इसके अराउंड अभी कोई भी आपका लिगेंड्स नहीं है, किसी भी ये लिगेंड की फील्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका एक फ्री टर्म्स आए, इसका एक स्टेट आएंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म जिसे हमने कहा फ्री आयन टर्म होंगे, ठीक है, पी स्टेट में, जो कि हमने कैसे निकाला था कि पी में हमारे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हमने प्लस वन जीरो माइनस वन एल का वैल्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है, प्लस वन और जीरो है, विच इज इक्वल टू वन। वन क्या आता है एल का, जीरो वन टू, यहाँ पे एस पी डी ऐसे आता है, ठीक है। पी अगर वन है तो एल का वैल्यू तो क्या आ रहा है आपका, पी आ रहा है, ठीक, पी आ रहा है। तो इसका हमें दूसरा क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टू एस प्लस वन। एस कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टू, ये दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ पे वन रहा, तो टू इंटू वन प्लस वन, विच इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे आपका टू इंटू वन, टू प्लस वन थ्री, तो ये आपका क्या आ रहा है, ट्रिपलेट पी आ रहा है। तो ये क्या है आपका, ग्राउंड स्टेट टर्म है पी टू के लिए, ट्रिपलेट पी। ये आपका है फ्री आयन टर्म। जब हम इसको मैग्नेटिक, या मैग्नेटिक नहीं, लिगेंड फील्ड में डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्या है, ये ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो ये इसका क्या है, फ्री टर्म है, ये इसका फ्री टर्म है, फ्री आयन टर्म, क्योंकि इसमें अभी तक कोई क्या है आपकी लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं है। सिमिलरली उसी तरह हम D2 की देखेंगे, ठीक है, D2 की अगर हम फ्री आयन टर्म निकालेंगे तो आपका एक तो आएगा इसमें ट्रिपलेट F, और इसके साथ आपका बहुत सारे ट्रिपलेट P भी आएंगे, लेकिन हमें इसमें जो सबसे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में हमें देखना है। तो अगर D ऑर्बिटल में अगर हम ऑक्टाहाइड्रल फील्ड या टेट्राहाइड्रल फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो ये क्या हो जाता है, ये न्यू लेवल्स में आपका क्या होगा, स्प्लिट अप होगा। जैसे कि डी ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में टी टू जी या ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या होता है, स्प्लिट अप होता है, ठीक है, स्प्लिट अप होता है। तो यहां से आपको क्या निकालेंगे, यहां से ये क्यों हम बताते हैं, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलेगा, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन है, वो आपको यहां से पता चल जाएगा कि कितने टाइप के यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड्स है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस हो रहा है, वो यहाँ पे फिर आपको क्या मिलेगा। जैसे कि जितना भी आप लिगेंड फील यहाँ से इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस होता जाएगा, यहाँ एनर्जी है, यहाँ लिगेंड फील है। जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन यहाँ पे होता है, दूसरा इतने लिगेंड फील्ड्स पे होता है, ठीक है, तो आप ये इनको म्यू वन म्यू टू से आप डिनोट करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस के एनर्जी का आइडिया मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस का आइडिया मिल जाएंगे कि एक पर्टिकुलर मेटल कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस हो सकता है, ठीक है। तो यही सब चीजें अब आपको जो ऑर्गल डायग्राम में इसी सब चीजों को कंसीडर करने हैं, ठीक है, इसी चीजों को कंसीडर करके आपको ऑर्गल डायग्राम जो है आपका डी डी सिस्टम में बन जाएंगे ये, ठीक है। तो ये ऑर्गल डायग्राम क्या है, ऑर्गल डायग्राम है, इसको हम एक ऐसा कह सकते हैं, इट्स अ कोरिलेशन डायग्राम, एक कोरिलेशन डायग्राम है, कोरिलेट करता है, जो कि क्या बताता है,
which shows the relative energies of is a correlation diagram which shows the relative energy of electronic trans in transaction metal complexes. कि transaction metal complex में electronic terms के बीच में जो relative energy होता है वो आपको क्या बताता है, correlation diagram है एक, ये orgel diagram आपको बताता है कि transaction metal complex में जो electronic terms के बीच में जो relative energy होता है या जो electronic transactions के लिए जो energy, जितना एनर्जी चाहिए होता है या किस टाइप के ट्रांसैक्शंस, यहाँ पे कितने टाइप्स के ट्रांसैक्शंस हैं वो क्या है आपको बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गल डायग्राम्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे ऑर्गल डायग्राम्स के साथ है, क्यों है, कौन कौन से आपको जो डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं ऑर्गल डायग्राम के साथ है, ये जो ऑर्गल डायग्राम है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होता है only restricted to high spin complexes. Means आपका क्या होगा, ये only weak field ligand के साथ consider होता है, weak field लीगेंड के साथ क्या होता है, सिर्फ वीक फील लीगेंड्स के प्रेजेंस में या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही ऑर्गल डायग्राम क्या करता है, कंसीडर करता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नो इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रॉन्ग फील लीगेंड, कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, ऑर्गल डायग्राम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे ऑर्गल डायग्राम के साथ। दूसरा, ये ऑर्गल डायग्राम के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ क्या है, ऑर्गल डायग्राम जो है वो सिर्फ आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे कि ये आपको बता सकता है एक कॉम्प्लेक्स में कितना ट्रांसैक्शंस हो सकता है, कितना नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस हो सकता है, यहाँ पे आपको कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, no calculations of energy can be done using orgel diagram, कि orgel diagram से आप energy calculations नहीं कर सकते हैं, कि energy calculation means कि आपका जो एनर्जी है कितना एनर्जी उस पर्टिकुलर ट्रांसैक्शंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर ट्रांसैक्शंस के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल ये आपको बता सकते हैं, अगर आप एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मिलता है, जैसे कि अगर हम इसको एक एब्जॉर्प्शन पीक दो, ये दो एब्जॉर्प्शन पीक, ये क्या देता है आपका लेमडा मैक्स देता है, जो कि आपका क्या देता है एप्सिलॉन ई मैक्स या एनर्जी एब्जॉर्बेंस का वैल्यू आप यहां ग्राफ से निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गल डायग्राम है ये आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि इसमें कितना ट्रांसैक्शंस पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ दो पीक में यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ दो ट्रांसैक्शंस हो रहा है, ये कितने एनर्जी पे हो रहा है, ठीक है, या कितना एनर्जी ये एब्जॉर्बेंस रहेगा, ये आपका वेवलेंथ रहेगा नैनो
मीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां ऑर्गल डायग्राम सिर्फ आपको इतना बता सकता है कि कितना एब्जॉर्बेंस आ रहा है, कितने नंबर ऑफ पीक्स आपकी ग्राफ में आ रहा है, ये कितना एनर्जी पे आ रहा है, इसमें कितना एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, ये आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये जरूरी क्यों है फिर, ये लैम्डा मैक्स, ये एनर्जी निकालना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहां से आपको आइडिया मिलता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांसैक्शंस के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी कैलकुलेशंस करना क्यों जरूरी है, हम लैम्डा मैक्स निकालते हैं क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमें आइडिया बताता है कि एक ये वाला ट्रांसैक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक ट्रांसैक्शन है, दूसरा ये एक ट्रांसैक्शन है, इसके लिए कितना एनर्जी की जरूरत होता है, इसके लिए कितना एनर्जी लग जाता है, तो वो हमें जरूरत होता है एनर्जी की कैलकुलेशन करना। लेकिन आपका जो ऑर्गल डायग्राम है वो आपको कोई भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ओनली क्वालिटेटिव मीन्स आपको ये बताएगा आपको सिर्फ क्या, एक तो बताएगा आपको यहां पे हम लिखते नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस कितना होगा, कि यहां पे नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस कितना हो रहा है, एक आपको पीक आ रहा है, दो पीक आ रहा है, तो आप यहां पे बता सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, दो ट्रांसैक्शंस यहां पे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है। तो ये आपको क्या बताएगा, आपका जो ऑर्गल डायग्राम आपको बता सकता है। दूसरा आपका स्टेट बताएगा नेचर ऑफ ट्रांस, की आपका कौन सा एनर्जी ट्रांस आपकी इस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहां तो एक नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस कितना, दूसरा आपका नेचर ऑफ टर्म या स्टेट, कि किस कौन सी स्टेट से, किस टर्म से या किस स्टेट से किस स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस हो रहा है। ठीक है, वो ये आपका आपका ऑर्गल डायग्राम आपको बताता है। ठीक है, और ये जो ऑर्गल डायग्राम है वो सिर्फ आपका सेम सिमेट्रिक है, या जो हम कह सकते हैं कि सिर्फ आपका जो हाई जो सिमेट्री है, हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स के बारे में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस के बारे में बताता है, जो जितने, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपका एक से बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, टर्म्स आपका अराइज हो सकता है। ये आपको कहां से पता चलेगा, जब आप इसका माइक्रोस्टेट निकालेंगे। माइक्रोस्टेट आपका बताता है कि कितना उस पर्टिकुलर जो एनर्जी सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उस इलेक्ट्रॉन को आप प्लेस कर सकता है, वो आपको क्या बता, कहां से पता चलता है, आपको उसकी माइक्रोस्टेट से। तो जितना माइक्रोस्टेट होगा वहां पे उतना क्या होगा, आपका टर्म्स होंगे। तो यहां पे जो ऑर्गल डायग्राम वो क्या बताता है, ओनली शोज द Only show the symmetry state of high spin multiplicity instead of all possible term. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो जितने भी टर्म पॉसिबल टर्म्स है उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ आपको जो हाई स्पिन स्टेट होगा, जो जहां पे उसका लीस्ट एनर्जी होगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये वीक फील्ड, सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आपका ऑर्गल डायग्राम काम करता है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, आपका ऑर्गल डायग्राम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये है कुछ ड्रॉबैक आपकी ऑर्गल डायग्राम का, ऑर्गल डायग्राम का। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है या ये जो हम टर्म्स है वो कैसे अराइज होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पे क्या होगा, आपका जो फ्री आयन्स टर्म है, फ्री
आयन टर्म है। फ्री आयन टर्म्स मीन्स कि आपके जो पर्टिकुलर जो डी स्टेट होगा या पी स्टेट होगा, जब तक उस पर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड या किसी भी फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उस जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के टर्म होगा वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉनिक टर्म है। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, एक अपना इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगा। जब इस पे आप ऑक्टाहाइड्रल क्या करेंगे, आपका फील्ड का इफेक्ट आप अप्लाई करेंगे, या ऑक्टाहाइड्रल फील्ड की प्रेजेंस में ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो फ्री आयन टर्म्स होंगे उसको ले आएंगे, या टेट्राहाइड्रल जो आपका फील्ड होगा वो अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, आपका यहां से न्यू जो टर्म्स या आपका इसको लेबल्स भी कह सकता है, ये क्या होता है, अराइज होता है। मीन्स यहाँ पे जब ऑक्टाहाइड्रल या टेट्रा किसी भी फील्ड का जब इफेक्ट लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, फर्दर स्प्लिट अप हो जाता है, एनर्जी लेवल्स की क्या हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। ठीक है, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस पी डी एफ जी। ऐसे हम इनको क्या करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने बताया था कि जब क्योंकि वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन आपको वहां फैक्टर रोल प्ले करता है, तो वहां पे क्या होता है, फ्री आयन टर्म्स आपका न्यू जो एनर्जी स्टेट आता है वो अराइज होता है, जिसे हम टर्म्स कहते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करता है एस पी डी एफ। ये आपका जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री फोर एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्री आयन टर्म्स है विदाउट द इफेक्ट ऑफ एनी एदर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड और टेट्राहाइड्रल फील्ड। ठीक है, तो जब आप यहां पे इनको फील्ड अप्लाई करेंगे ऑक्टाहाइड्रल या टेट्राहाइड्रल जो भी होगा, तो ये आपका फिर आपका डिवाइड होगा ये आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट टर्म्स में। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल फील्ड आपका ये वाला टर्म फिर स्प्लिट अप हो सकता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में जिनको आप कहते हैं, अगर जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है। ये आपका स्प्लिट अप होगा ए ई टी, ये आपका है नॉन डिजेनरेट होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डबल डिजेनरेट होता है, और ये टी आपका क्या होता है, ट्रिपल जेनरेट होता है। इसके आगे आपका कोई भी और लेवल नहीं होता है। ए आपका नॉन डिजेनरेट होता है, ये भी सिंगल है, ये आपका डबल डिजेनरेट है, ये आपका क्या है, ट्रिपलली डिजेनरेट है। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी ये जो फ्री आयन टर्म्स है वो फर्दर इन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप थ्योरी में आप इसको क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप ग्रुप थ्योरी में इनको कहते हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एदर ऑक्टाहाइड्रल या आपकी फील्ड की प्रेजेंस में आपका ये जो फ्री आयन टर्म्स है या जो लेवल्स है या टर्म्स है वो क्या होता है, फर्दर स्प्लिट होता है इन इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक होता है, तो हम देखेंगे कि आपका ये जो फ्री आयन टर्म्स है ये किस किस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में आपका डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे पहला जो टर्म है, फ्री आयन टर्म है, ये आपका एस है। ये ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में इनका कंपोनेंट्स हम देखेंगे, कंपोनेंट्स इन इसको हम लिखते हैं ऑक्टाहाइड्रल फील्ड की प्रेजेंस। ऑक्टाहाइड्रल फील्ड की प्रेजेंस है आपका ये वाला जो फ्री आयन टर्म्स है वो कैसे आपका स्प्लिट अप हो जाता है, अगर आपका एस है तो। ठीक है, सिंगल है तो ये आपका सिर्फ ए वन जी में, ठीक है, आपका क्या होगा, स्प्लिट अप होगा। ठीक, पी है, पी आपका क्या है, ट्रिपलली डिजेनरेट है, तो ये आपका क्या होगा, टी वन जी में आपका स्प्लिट होगा, क्योंकि तीन में तीन ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, एक ही है, तो ए मीन्स नॉन डिजेनरेट सिंगल होगा, पी में तीन होगा तो ट्रिपलली डिजेनरेट है, मीन्स तीन ऑर्बिटल है, तीन सबशेल है, तो ये टी वन जी कंपोनेंट में आपका ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में क्या होता है, स्प्लिट अप हो जाता है।
डी की बात करते हैं, डी में कितने हैं, पांच है, तो ये आपका एक डबल डिजेनरेट ई जी में हो जाएंगे और दूसरा आपका इसके साथ ये है टी टू जी में आपका ये क्या हो जाएगा स्प्लिट अप हो जाएंगे, टी टू जी में आपका क्या हो जाएगा स्प्लिट अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ डी की केस में, देन आपका एफ आता है, ठीक है, एफ में कितना आता है आपका सेवन ऑर्बिटल्स आता है, तो ये कैसे आपका स्प्लिट होगा, एक आपका ए वन जी में हो जाएंगे, ये आपका सिंगल हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका एक टी वन जी कंपोनेंट्स में होगा और इसके साथ आपका टी टू जी कंपोनेंट्स में होगा, टोटल ये क्या है ट्रिपल्ली डिजेनरेट है, तीन है, ये भी ट्रिपल्ली डिजेनरेट है, थ्री आपका सिक्स हुआ और एक सिंगल डिजेनरेट आपका ए वन जी, जो कि आपका टोटल क्या होता है सेवन ऑर्बिटल्स होता है एफ में। फिर आपका क्या होगा, आपका एफ के बाद आपका जी ऑर्बिटल होता है जिसमें कितने होते हैं आपको नाइन होता है, ठीक है। तो ये कैसे ऑक्टाहाइड्रल फील्ड कंपोनेंट्स में ये फर्दर डिवाइड होंगे, ये आपका एक ए वन जी में चला जाएगा, फिर आपका ये ई जी में आपका स्प्लिट होगा, फिर आपका ये टी टू जी में होगा एक और टी वन जी में होगा और एक आपका टी टू जी में स्प्लिट अप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड। तो कितना हुआ टोटल थ्री और थ्री सिक्स और टू सेवन एट और एक नाइन, तो टोटल यहाँ पे जी में क्या होता है नाइन ऑर्बिटल होता है। उसी तरह एच में, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जाम्स में या जो आपके जो इस लेवल का जो आपका जो टर्म्स है वो यहां तक जी तक ही आपका काफी है, जी तक अगर आप देखेंगे तो इतना ही आपके लिए काफी है। फर्दर आपका ऐसे ही आपका एक जो नॉन डिजेनरेट होगा या डबल डिजेनरेट होगा या ट्रिपल डिजेनरेट होगा, ऐसे आपका ये सब आपका क्या है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये फर्दर आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये आपके ग्रुप थ्योरी से, ठीक है, ग्रुप थ्योरी से आपका ये वाला कंपोनेंट्स आ जाता है। तो ये है आपका कि ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में आपका जो फ्री आयन टर्म्स है वो कैसे स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है, या टेट्राहाइड्रल फील्ड में फिर वहां पे क्या होगा, ये जी नहीं होगा, जी मींस क्योंकि टेट्राहाइड्रल जो आपका सिमेट्री है वो आपका जी रेट नहीं रहता है, तो आपका ये वाला कंपोनेंट वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ कि आपका जो डिफरेंट कंपोनेंट सिस्टम है वहां पे आपका फ्री आयन टर्म्स कैसे आपका डिवाइड होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो ऑर्गल डायग्राम में यही सारा कंपोनेंट्स ऑक्टाहाइड्रल फील होगा या टेट्राहाइड्रल फील होगा, ये वाले इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आपको वहां पे देखना है। तो अब तो यहां पे और एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको डिस्कस करके जाना है ऑर्गल डायग्राम बनाने से पहले, तो ये है आपका होल फॉर्मेशन, ठीक है, होल फॉर्मेशन, या हम यहां पे कि जब आप ऑर्गल डायग्राम्स आप देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा और जहां पे कुछ, क्योंकि जहां पे मोर देन हाफ फील्ड रहता है, ठीक है, मोर देन हाफ फील्ड रहता है, तो वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करने से अच्छा वहां पे होल्स को कंसीडर करने से, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मोर देन हाफ फील्ड में, तो वहां पे होल्स को कंसीडर करने से क्या होगा, आपकी जो ट्रांसेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है वो क्या करेंगे कंसीडर करने में आसानी होता है। तो ये होल फॉर्मेशन, या यहां पे हम इसको होल ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है, होल ट्रांसफर मैकेनिज्म, तो ये आपको यहां पे अंडरस्टैंड होके जाना है, तो क्योंकि वहां पे फिर आपको क्या रहेगा आसानी रहेगा। तो जहां पे अगर सब शेल क्या होगा मोर देन हाफ फिलेट होगा, इफ द सब शेल इज मोर देन हाफ फिलेट, अगर आपका सब शेल क्या होगा मोर देन हाफ फिलेट होगा, तो वहां पे आप क्या कंसीडर करता है होल्स को कंसीडर करता है इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट इज सिंपल टू कंसीडर
द इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल रादर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वहां अगर आपका जो सबशेल है वो मोर देन हाफ फिल्ड रहता है तो वहां आपको क्या क्या होता है कि आपको जो खाली जो जगह बचता है उसको कंसिडर करने में आसानी रहता है रादर कि वहां जो जितने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा हाफ फिल्ड से ज्यादा होगा तो ज्यादा होंगे वहां जो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करने से पहले आपको कंसिडर करने के बजाय आप वहां पे जो खाली जगह होगा उसको क्या कर सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं। तो वो क्या होता है होल फॉर्मेशन होता है। होल मीन्स आपका जैसे कि अगर हम देखेंगे यहां पे आपका पी टू स्टेट है ठीक है पी टू स्टेट और क्योंकि पी टू स्टेट मीन्स क्या होगा पी में आपका दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है पी टू स्टेट में आपका दो इलेक्ट्रॉन है इसको हम इक्विवेलेंट मान सकता है पी फोर से। पी फोर में अभी आपको क्या करना है आपको होल्स को कंसिडर करना है वन टू थ्री फोर। फिर यहां पे क्या है आपका जो दो खाली जगह बचता है यहां पे एक खाली जगह बचता है क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ठीक है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये दोनों क्या हुआ ये दोनों आपका होल फॉर्मेशन हो गया ठीक है। यहां पे क्या है पी टू में आपका दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे ये जो ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फिल्ड है तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे तो वन टू थ्री फोर चार इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप होल्स को कंसीडर करते हैं अगर आपका सबशेल मोर देन हाफ फिल्ड है तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स को आप कंसीडर कर रहे हैं और यहां पे आप दो होल्स को क्या कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस जो मेथड होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस होगा वो दोनों क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस क्या होगा बराबर होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस होगा कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रहा है वो आपको दोनों में क्या होगा बराबर होगा क्योंकि यहां पे क्या होगा यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जो हायर एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन यहां पे सिर्फ यहां पे क्या होगा ये जो यहां पे भी क्या होगा इतना ही इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो सकता है हायर एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस इनमें क्या होगा सिमिलर रहेगा लेकिन इनवर्स रहेगा अपोजिट। अगर यहां एक वन से टू एनर्जी स्टेट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा तो जहां पे होल्स की कंसिडरेशन होगा वहां पे इसकी एनर्जी की जो ट्रांसैक्शंस एनर्जी ट्रांसैक्शंस होगा वो उल्टा होगा क्योंकि यहां हम होल्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो यही सब क्या करेंगे कोरिलेशन डायग्राम बना के हम वहां से आपको ऑर्गल डायग्राम बना के दिखाएंगे ठीक है। तो यहां पे होता क्या है कि यहां पे जो आपकी पी टू स्टेट्स है इलेक्ट्रो ये फिर जाता कैसे है यहां पे हम वो आपको बताएंगे ठीक है। तो यहां पे पी टू स्टेट से आपका एम एल एन एम एस वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं ठीक है। वहां से फिर आपका क्या होगा माइक्रोस्टेट की जनरेशन होगा माइक्रोस्टेट यहां से आपका जनरेट होता है फिर आपका स्टेट्स आ जाता है न्यू फ्री आयन स्टेट जनरेट हो जाता है ठीक है। जैसे कि हमारा एस पी डी है ये सब फ्री आयन स्टेट आपका जनरेट होता है ठीक है। फिर इसमें अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप जोड़ते हैं तो आपका ये टर्म अराइज होता है ठीक है। टर्म अराइज होता है जैसे कि आप यहाँ पे 3p लिख सकते हैं 3d ऐसे आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की हिसाब से आपको ये सब टर्म आपका अराइज होगा। अगर यहाँ पे फिर आपका फील्ड अप्लाई करोगे जैसे कि ऑक्टाहाइड्रल होगा या टेट्राहाइड्रल होगा फिर यहां पे क्या होगा आपका न्यू लेवल्स आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट स्टेट्स बन जाएंगे जैसे कि डी ऑर्बिटल में आपका टी टू जी या ईजी इस तरह क्या होता है डिफरेंट आपका स्प्लिटिंग हो जाता है। तो यही सब आपको क्या मिलेगा यही सब कंसिडर करने के बाद आपका ऑर्गल डायग्राम यहां पे आपको बन जाता है ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें आपको ऑर्गल डायग्राम में आपको जरूरत पड़ जाएंगे। अब हम देखेंगे ऑर्गल डायग्राम कैसे बनता है ठीक है। यहां पे ऑर्गल डायग्राम अब हम डिस्कस
तो यहां पे अब हम देखेंगे ऑर्गल डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि हमें स्पेक्ट्रा देखना है, स्पेक्ट्रा ऑफ D1 एंड D9। अब यहां पे जो आपका D1 और D9 एक जैसा क्यों आया है वो हम आपको बताते हैं। हमने बताया कि अब यहां पे जो आपका होल ट्रांसफर मैकेनिज्म या फोल फॉर्मेशन वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पे आपका अप्लाई होता है D1 की केस में, ठीक है। आपका ये डी ऑर्बिटल है, पहले हमें यहां पे क्या करना होगा, डी जो टर्म्स हमें निकालने होंगे, ठीक है। दोनों में हम टर्म्स निकालेंगे, जैसे कि ये आपका डी ऑर्बिटल है, इसमें D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका जो ML वैल्यू होता है +2 +1 0 -1 -2, तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो L का वैल्यू आपका +2 रहेगा, ठीक है। +2 L का वैल्यू किसके बराबर होता है टर्म्स में, तो यहां पे जो टर्म आएंगे वो D आएंगे, ठीक है, D टर्म, क्योंकि यहां L का वैल्यू क्या है आपका 2 है, विच इज इक्वेलेंट टू D। फिर यहां पे आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका 2s+1 होता है, ठीक है। s किसके बराबर होता है, 1/2 × नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितना है 1 है, मीन्स यहां 1/2 ही रहेगा, तो 2 × 1/2 + 1, 2 आपका कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 आपका 2। फिर यहां पे क्या आएगा, डबलेट डी। तो ये आपका क्या हुआ, टर्म हुआ, फ्री आयन टर्म, फ्री आयन टर्म हुआ ये आपका डी की केस में, ठीक है, डी की केस में। अब जब इसको आप, ये आपका डी ऑर्बिटल है D1 की केस में, अब इस D2 टर्म को आपको क्या करना है, D2 टर्म को आप ऑक्टाहाइड्रल फील में इसको डालना है D1 में। फिर यहां पे क्या होगा, फिर यहां पे आपका स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग किस में होता है आपका, एक T2G और एक EG में, ठीक है, EG में, ये आपका टर्म्स में T2G हुआ, ये आपके क्या हो रहा है EG में, ठीक है। जिस तरह आपका डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड स्प्लिट होता है, उसी तरह यहां पे आप क्या हो रहा है, आपका टर्म्स हो रहा है, कैपिटल G टर्म्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2G। अब इसका आपका ऑर्गल डायग्राम कैसे बनना है, ऑर्गल डायग्राम कैसे बनेंगे, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स D1 का आपका जो है, D1 का, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम देखते हैं। D1 का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपका टाइटेनियम के मोस्ट ऑफ द टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स आएंगे, जैसे कि TiH2O6 3+, ये आपका D1 सिस्टम में, ठीक है, टाइटेनियम 3+ में आपका D1 सिस्टम बनेंगे, या आप आपका TiCl3Cl6 3-, ये भी आपका क्या है, D1 सिस्टम है, जिसमें D में सिर्फ आपका क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो आपका डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग भी ऐसे होता है। अब यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में आपका जिस तरह डी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुआ था, उसी तरह आपका क्या हुआ, आपका ये जो टर्म्स का भी स्प्लिटिंग हुआ। तो इसका ऑर्गल डायग्राम कैसे बनेंगे, ऑर्गल डायग्राम आपका ऐसे बनेंगे, इसका ये आपका ये आपका क्या है, आपका इस साइड में एनर्जी रहता है, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा आपका, यहां पे आपका लिगेंड फील रहेंगे, लिगेंड फील स्ट्रेंथ, जिसको आप डेल्टा से क्या करता है, डिनोट करता है, ऑक्टाहाइड्रल है तो डेल्टा नॉट आएंगे, डेल्टा नॉट, यहां पे लिगेंड फील आएंगे, ठीक है। तो इसका यहां पे इसका हमें फ्री आयन टर्म क्या निकाला था, WD। तो ऐसे आप इस जो एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका WD रहेंगे। फिर जो इसका स्प्लिटिंग होगा, इसका दो टर्म में स्प्लिटिंग हुआ, एक आपका हमने कहा T2G हुआ, दूसरा आपका EG। ये दो टर्म में आपका क्या हुआ, आपका ये जो डी फ्री आयन टर्म है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, आपका ऐसे इसका स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाता है ये। फिर यहां पे आपका बेरी सेंटर रहेगा, यहां पे जितना आगे
जितना भी लिगेंड फील स्ट्रांग होता जाएगा तो उतना इनकी सप्रेशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये आपका 0.4 होता है, ये आपका 0.6 होता है, माइनस ये प्लस, तो इनका एनर्जी जो डिफरेंस रहेगा वो वही जिस तरह हमने डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल फील देखा था, वैसे ही क्या रहेंगे इनकी स्प्लिटिंग रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं इसका TiH2O6 3 पॉजिटिव का D1 सिस्टम है, तो यहां पे अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमारा क्या देखा कि जब हमने इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया, ठीक है, तो ऐसे आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेंगे, यहां पे आपको मोलर एब्जॉर्बेंस मिलेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी, यहां पे आपको फील्ड स्ट्रेंथ या फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखा तो इसका एक सिंगल एब्जॉर्प्शन आ रहा था अराउंड आपका जो इसका जो है आपका इसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो इसका आ रहा है वो अराउंड आपका 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आपका इसका एक ही सिंगल एब्जॉर्प्शन आ रहा था। ठीक है, अगर इसको हम वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो ये अराउंड आपका 5000 आपका एंगस्ट्रॉम के अराउंड इसका क्या आ रहा था, एब्जॉर्प्शन आ रहा था। तो इसका यहां हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका अराउंड 10,000 रहेगा, यहां पे आपका 20,000 रहेंगे, यहां पे आपका 30,000 रहेंगे। ठीक है, इसके साथ अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लेंगे, इसका अगर वेवलेंथ की यूनिट में लेंगे तो ये आपका वेवलेंथ हुआ, यहां पे आपका अराउंड 3000 रहेगा, ठीक है, यहां पे आपका 4000, यहां पे आपका 5000, यहां पे आपका 6000, 7000, ऐसे आपको एक स्पेक्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है, 20,000 अराउंड 300 पे सिर्फ आपको ऐसा एक एब्जॉर्प्शन पीक आपको यहां पे मिल जाता है। ठीक है, 2000 या अराउंड 5000 या 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स या आपको 5000 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आपको एक ही एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या एक ही एब्जॉर्प्शन पीक आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन हो रहा है जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे, जो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, आपका ग्राउंड स्टेट टर्म है T2G और आपका हायर जो एनर्जी है वो है आपका EG। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन आप कैसे दिखाएंगे, ये वाला T2G2EG आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन हो रहा है। लेकिन यहां पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का लिखना वो बहुत जरूरी है, TiH2O6 से आपका TiH2O में आपका कितने पे 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस हो रहा है। तो यही आपको ऑर्गल डायग्राम बताता है कि इसमें ये एनर्जी की बात नहीं करता है नेचर की, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक नंबर मींस एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन कहा से TiH2O6 से TiH2EG में ये वाला ट्रांसैक्शंस हो रहा है। तो यही आपका ऑर्गल डायग्राम बताता है कि जो D1 की केस में ऐसा आपको क्या मिलता है, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन मिलता है। ठीक है, अब इसके इनवर्स में अब हमने कहा कि होल ट्रांसफर मैकेनिज्म में, क्योंकि अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे तो वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पे हम D9 की केस को देखेंगे। ठीक है, D9 की केस में पहले हम टर्म निकालेंगे, ठीक, टर्म निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक होल आपको खाली रह रहा है, एक ही होल आपको, जैसे कि ये वाला एक जगह आपको खाली रह रहा है। ठीक है, तो इसका पहले हम फ्री आयन टर्म निकालेंगे। ठीक है, यहां पे 2, 2 है, ठीक है, प्लस 2, प्लस 2, यहां पे 2 है, प्लस 1,
प्लस वन, जीरो दो जीरो, माइनस वन माइनस वन दो, यहां पे एक ही है माइनस टू और जीरो है, ये खाली है यहां पे। तो ये प्लस टू और माइनस टू, माइनस वन और ये आपका प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका एल इज इक्वल टू क्या रहेगा, टू रहेंगे, मीन्स ये भी आपका क्या आएगा, डी आएंगे। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम देखेंगे, टू एस प्लस वन, टू एस प्लस वन मीन एस क्या है आपका, हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, वन है, तो यहां भी क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू वन बाई टू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, ये कैंसिल वन बाय, तो ये यहां भी फ्री आयन टर्म आपका क्या आ रहा है, टू डी आ रहा है, जिस तरह आपका डी वन का केस आए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कंसिडर करने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है यहां पे वो है मोर देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड मीन्स यहां पे हम होल को कंसिडर करेंगे, जैसे कि आप आपका जो डी ऑर्बिटल है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राहाइड्राइड फील्ड आपका इससे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एक टी टू जी में एक आपका ई जी में। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर आपका यहां से यहां हो रहा है, लेकिन जो हम होल ट्रांसफर मैकेनिज्म को लेके यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो होल है वो यहां से ईजी से टी टू जी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ईजी से टी टू जी में ट्रांसफर होता है, तो यहां पे अगर हम इसकी ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे, ऑर्गल डायग्राम क्या होगा आपका, जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहां पे होल क्या है, होल आपका पॉजिटिव है, होल आपका पॉजिटिव है, तो आपका जो ऑर्गल डायग्राम बनेंगे, क्योंकि आपका जो फ्री आयन टर्म है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेल्टा नोड आएंगे, तो यहाँ पे जो आपका कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, क्योंकि यहाँ पे हम होल की ट्रांसफर डी वन और डी नाइन को हम इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे होल की ट्रांसफर को हम मान रहे हैं, तो जो आपका ग्राउंड स्टेट आएंगे वो ई जी आएंगे, और आपका हायर जो एनर्जी लेवल आएंगे वो टी टू जी आएंगे। ठीक है, स्पिन आपका सेम रहेगा, डबलेट मीन्स आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन है वो हम कंसीडर करते हैं ईजी से टी टू जी में, जो कि आपका इनवर्स है आपका किसका, इनवर्स है आपका जो डी वन सिस्टम का। ठीक है, डी वन सिस्टम का इनवर्स है आपका ये वाला जो डी नाइन है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि डी नाइन सिस्टम का है सी यू H2O6 2+, ये जो कॉपर 2+ है वो क्या है हमारा D9 का एक एग्जाम्पल है। अगर हम इसका जो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हमारा क्या होता है यहाँ 10,000 के अराउंड आपका क्या हो जाता है एक स्पेक्ट्रा आ जाता है, ये 5,000 इसको हम 10,000, यहाँ पे आपका 20,000, ऐसे आपका क्या आएगा आपका इसका वेव नंबर आएंगे सेंटीमीटर इनवर्स आपका क्या रहेगा यूनिट रहेंगे, यहाँ पे आपको मोलर एब्जॉर्प्टिविटी रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसका हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा एक स्पेक्ट्रा मिलेंगे 10,000 के अराउंड आपका इसका क्या होगा लैम्डा मैक्स मिल जाएंगे, 10,000 के सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड इसका क्या हो जाता है कॉपर एक्वा कॉपर कॉम्प्लेक्स का आपका लैम्डा मैक्स या एब्जॉर्बेंस आ जाता है। तो ये क्या है आपका D1 और D9 सिस्टम का, जो कि टोटली अपोजिट है, क्योंकि यहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, यहां पे हम एक होल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का कंबाइन जो ऑर्गल डायग्राम देखते हैं, तो कंबाइन ऑर्गल डायग्राम हम इसका बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा D1 और D9 की केस का, क्या मिलेंगे आपको कंबाइंड जो ऑर्गल डायग्राम मिलता है, तो आपको ऐसा एक मिलेगा, ये आपका फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, डेल्टा है, ये आपका सेंटर में आपका फ्री आयन टर्म आएंगे, जो कि हमारा दोनों केस में क्या आया था, डबलेट डी आया था डी नाइन और डी वन के लिए। तो अगर हम डी वन की बात करें तो हमें इस तरह मिलेगा टी टू जी ई जी, ठीक है, ये वाला किसके लिए, हमारा डी वन सिस्टम के लिए,
ऑक्टाहाइड्रल फिल्म है, किसमें? ऑक्टाहाइड्रल फिल्म है, ध्यान से देखिएगा। अब जो D9 के लिए हमें क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, ये जो EG है वो ग्रॉन स्टेट बन जाएंगे और ये हमारा T2G है वो एक्साइटेड स्टेट बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्रॉन आयन टर्म है दोनों D1 और D9 के लिए हमारा डबलेट D है। तो यहाँ पे जो D1 के लिए है ये D9 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, ये D1 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो यहाँ जो ग्रॉन स्टेट है वो T2G है और एक्साइटेड स्टेट EG है। D9 में क्योंकि हम होल को कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है मेनली, तो यहाँ इसका क्या होता है, सिंपल इनवर्स होता है, यहाँ ग्रॉन स्टेट आपका EG बन जाता है और एक्साइटेड स्टेट आपका क्या बन जाता है, T2G बन जाता है, ठीक है, T2G बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्गल डायग्राम है ये हम अभी किसके लिए, D1 ऑक्टाहाइड्रल, D9 ऑक्टाहाइड्रल, इसका इनवर्स आ रहा है, इसके इक्विवेलेंट आपको मिलेगा D4 और D6। सिमिलर ऑर्गल डायग्राम आपको मिलेगा D4 D6 के लिए भी, ऐसा आपको क्या मिलेगा, आपको ऑर्गल डायग्राम मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि जिस तरह हमने वहां पे टर्म्स निकाला था वो वही आपको D4 और D6 के लिए भी निकालना है। तो ये ऑर्गल डायग्राम ओवरऑल आपको D1 D6 ऑक्टाहाइड्रल के लिए, ठीक है, ये वाला साइड, इसी तरह आपको D4 D9 टेट्राहाइड्रल के लिए, क्योंकि ये देखो अगर ये D1 के लिए अगर ऑक्टाहाइड्रल में है तो इसका यही आपको D9 टेट्राहाइड्रल के लिए भी यही मिल जाएगा, ये D6 ऑक्टाहाइड्रल के लिए मिलेगा तो D4 आपका टेट्राहाइड्रल के लिए भी बन जाएगा, और ये वाला साइड आपको D1 D6 टेट्राहाइड्रल के लिए, यही आपका ऑर्गल डायग्राम बनेंगे और आपका D4 D9 आपका क्या मिलेगा, ऑक्टाहाइड्रल के लिए सिमिलर आपका ऑर्गल डायग्राम बन जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कंबाइंड ऑक्टाहाइड्रल डायग्राम, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल आपकी चार सिस्टम के लिए आपका जो ऑर्गल डायग्राम बना है, एक ये वाला साइड D1 D6 इन केस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा ऑर्गल डायग्राम बनेंगे, मींस यहां पे सिंगल ट्रांसेक्शन होगा T2G से EG में, ठीक है। तो यही आपका टेट्राहाइड्रल की केस में D4 और D9 के लिए बन जाएंगे, ठीक। यहां पे क्या होगा आपका D1 D6 के लिए ये वाला साइड आपको टेट्राहाइड्रल के लिए, क्योंकि टेट्राहाइड्रल में क्या होता है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका EG आपको क्या बन जाता है, ग्रॉन स्टेट बनता है, और T2G आपका उल्टा हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलता है, जो लिगेंड की फील्ड के अप्रोच रहता है वो डिफरेंट रहता है टेट्राहाइड्रल केस में, और सिर्फ चार यहाँ पे क्या होता है लिगेंड, जो कि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको बताया था, ठीक है। तो ये D4 D9 ऑक्टाहाइड्रल की केस में आपको ये वाला ऑर्गल डायग्राम बन जाएंगे। तो ये कंबाइंड जो ऑर्गल डायग्राम है ओवरऑल चार सिस्टम के लिए बना है, D1 D6 ऑक्टाहाइड्रल की केस में ये बनेंगे, D4 D9 टेट्राहाइड्रल की केस में ये मिलेंगे, और D1 D6 ऑक्टाहाइड्रल की केस में यही मिलेंगे EG टू T2G, सिमिलरली D4 D9 ऑक्टाहाइड्रल की केस में भी EG से T2G में आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस हो जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ आपका क्या हुआ कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम D1 D6 D4 D9 के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं D4 की केस में, D1 और D9 का हमने लिया एग्जांपल कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन, अब यहां पे फर्क क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। D4 की केस में देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आता है, ये आपका डी सिस्टम हुआ +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पे देखेंगे फ्री आयन टर्म्स कितना बनता है, L इज इक्वल टू +2 +1 0 -1 -1 और +2 कट हुआ +2 +0 विच इज इक्वल टू आपका +2 रहता है। +2 का मतलब है कि इसका जो टर्म रहेगा वो D रहेंगे, जिस तरह हमारा दोनों में D है, ठीक है, D टर्म है, ठीक। अब यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका देखेंगे वो 2s+1 विच इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ आयन पेड इलेक्ट्रॉन, यहां पे चार है, 2 2 1 2 2 2 4 फिर यहां 2 आता है तो 2 इंटू
टू प्लस वन विच इज इक्वल टू 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 फोर वन फाइव। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट आता है। डी फोर की टर्म में आपका केस में आपका टर्म रहेगा क्विंटेट डी, फाइव डी क्विंटेट डी, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी फोर की केस में आपका एग्जांपल है, आपका जो डी फोर में एग्जांपल रहेगा सी आर क्रोमियम की कॉम्प्लेक्स एच टू ओ सिक्स टू पॉजिटिव, ये वाला सी आर एच टू ओ सिक्स आपका डी फोर सिस्टम का एग्जांपल है। अगर हम इसका एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा देखते हैं तो इसका जो एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा आपका लगभग 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको एक ही पीक मिलता है, ठीक है। तो ये आपका 5000 हुआ, ये आपका 10000 हुआ, ये आपका 15000 रहेगा, ठीक है, और ये आपका 20000। ऐसे आपका एक्स एक्सिस पे आपका वेव नंबर रहेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्सिस का यूनिट रहेंगे, यहाँ आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्बे रहेंगे। तो इसके स्पेक्ट्रा में आपका अराउंड 14000 पे एक ऐसा 15 इधर है, तो 14000 पे आपका लैम्डा मैक्स मिल जाएंगे। इसकी जो ट्रांसेक्शन है वो आपको कैसे बताना है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम ऑक्टाहाइड्रल की बात करते हैं डी फोर सिस्टम के लिए, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन को हमें कैसे लिखना है यहाँ पे, वो हमें इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस को डी फोर के लिए हमें ई जी से टी टू जी में दिखाना है, क्योंकि डी फोर ऑक्टाहाइड्रल के लिए ऐसा हमारा ऑर्गल डायग्राम बनता है। लेकिन यहाँ पे फाइव लिखना इंपॉर्टेंट है, तभी आपका एग्जाम में ऐसे यही आपको वेरी करके होगा। यहाँ फाइव की जगह आपको टू दिया होगा तो वो गलत है। डी फोर के लिए आपको क्वेंटेड ई जी से क्वेंटेड टी टू जी में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन होगा। तो ये आप एक एग्जाम्पल है डी फोर सिस्टम के लिए। इसी तरह आपका डी सिक्स के लिए, ठीक है, डी वन के लिए हुआ, डी नाइन, डी फोर, डी सिक्स के लिए। डी सिक्स की केस में भी आपका जो थ्री आयरन टर्म है वो आपका आएगा क्विंटेट डी, क्विंटेट डी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन उल्टा होगा आपका टी टू जी से ई जी में, टी टू जी से ई जी में स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका क्विंटेट टी टू जी से ई जी में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन होगा। ये आपका ग्राउंड स्टेट, ये आपका एक्साइटेड स्टेट बन जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखें तो हमारा एफ ई एच टू ओ सिक्स टू पॉजिटिव, एफ ई एच टू ओ सिक्स टू पॉजिटिव। यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो मेनली आपका 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आता है। अगर हम इसका जो स्पेक्ट्रा देखेंगे तो ऐसा आपको एक स्पेक्ट्रा मिलेंगे, ये मोलर एब्जॉर्प्टिव हुआ, ये आपका वेव नंबर हुआ सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे आपका जैसे कि 500, 1000, 1500, 20000 ऐसे आपका यहाँ पे वेव नंबर का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 1000 के अराउंड आपको एक ऐसा एब्जॉर्प्शन पीक मिलेंगे जो कि आपकी इस वाले कॉम्प्लेक्स का FeH2O6 का लैम्डा मैक्स होगा। तो इसी तरह आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शंस आपको कैसे आपको याद रखना है। तो ये आप कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम है किसके लिए, D1 D9 सिस्टम के लिए, D4 D6 के लिए। ये आपको ऑर्गल डायग्राम आपको याद रखना होगा एग्जाम में, इसी की बेसिस पे ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया होगा तो आपको देखना है ये कौन सा सिस्टम है, D6 सिस्टम है, तो आपको यूं ऑर्गल डायग्राम बनाना है और देखना है कि किस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, या यहां से यहां या यहां से यहां आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन होगा। तो इसी बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे D4 और D6 क्यों है कोरिलेट, क्योंकि यहां पे चार इलेक्ट्रॉन है, यहां पे चार क्या है होल है, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक क्या है होल है। इसी तरह हमें होल इलेक्ट्रॉन और होल में यही होगा, इनवर्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन में टी टू जी से ईजी में अगर ट्रांसेक्शन हो रहा होगा तो होल की केस में उल्टा ईजी से इस तरह टी टू जी में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्गल डायग्राम देखेंगे D2, D8 सिस्टम में D3,
D7 में, ठीक है। यहां दो इलेक्ट्रॉन है, दो होल है, यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन है, यहां पे तीन होल है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो आपका जो फ्री आयन टर्म्स है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।